गाइज, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो तीन लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो तीन लाइनें लैंड, वॉटर और एयर, इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है, और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम, लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी ये संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। हमें इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाइस क्या आप लोगों को पता है कि इतने बड़े सर्च इंजन का नाम गलती से पड़ा था? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गूगल के फाउंडर्स यानी कि संस्थापक इसका नाम GOOGOL यानी गूगल रखना चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि ये बन गया GOOGLE जिसे हम आजकल गूगल के नाम से जानते हैं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था। ये बात है 1976 की जब रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब को ज्वाइन किया। तब वो एप्पल कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर भी था, उसने लोगो भी डिजाइन किया था। इस एवज में उस वक्त उसे एप्पल कंपनी के 10% शेयर दिए गए थे, लेकिन उसे एप्पल कंपनी के फ्यूचर पे विश्वास ही नहीं था। उसे लगा कि एप्पल कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए उस वक्त उसने एप्पल के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली $1 trillion कंपनी बन जाएगी, और अगर आज उसके पास 10% शेयर होते तो आज वो $100 billion यानी कि 70,000 crore रुपए का मालिक होता। कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। गाइस इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पेशेंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या पता किस्मत कब अपनी करवट बदल जाए।